अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो बस अभी फाइनली मैं काम से फारिग हुई हूँ और दवाई वगैरह भी लेने गए हुए थे, तो वहाँ से भी आ गए। आपको तो पता है, जिस दिन मशीन लगा लो उस दिन काम बढ़ता ही जाता है बजाय सिमटने के, और निकलता ही जाता है। और तबीयत भी सही नहीं है आजकल मेरी, बच्चों की भी सही नहीं है, ना असलम की सही है, किसी की भी हमारे घर में तबीयत सही नहीं है। और आज तो करंट लगते लगते भी बच गया है यमुना को। मुझे तो 2-3 दफ़ा लगी चुका, वो असलम को लगा, तो फिर इनको पता चला हाँ के मशीन में करंट आ रहा है। तो अभी मशीन भी चेक करवानी है और अभी हम लोग दवाई भी लेकर आ गए। तो बस अभी काम वाम से फारिग हो गए, अब खाना वाना खाएंगे। ये लोग लाजमी बात है, अब इनके खाने का टाइम हो गया। तो देखें गाइस, मैंने आज लगाई हुई मशीन और बच्चे जो है ना सो कर चुके। तो क्या खा रहे हो आप लोग के? और यमुना जो है ना इज़्ज़त करके खरबूजा लाई, इसको मैंने काट के दिया है, भी ये लोग खा रहे हैं अभी। और नाश्ता मेरा तैयार हो गया। घर आपका भी यकीनन ऐसे ही फैला हुआ होता होगा जब आप लोग मशीन लगाते होंगे तो, और मेरा भी इसी तरह से फैला हुआ है। क्योंकि जब मशीन से फारिग हो जाऊँगी तो फिर मैं ना घर साफ करूँगी। यमुना जो है ना खरबूजा देने के लिए हानिया को तैयार नहीं है। क्यों? एक दे दिया और कह रही ये सब मैं खाऊंगी, बस अब ये मेरे हैं। और इन्होंने नाश्ता नहीं करा, नाश्ते से पहले खरबूजा शुरू हो गया इनका खाना पीना। खाओ। तो मैंने लगाई हुई मशीन और ये तार जो है ना आज मशीन का मैंने इस बोर्ड पे लगाया, उस बोर्ड पे, क्योंकि नेट लगा हुआ है चार्जर नेट का इसलिए। और दूसरी बात ये कि हमारी मशीन ना हालांकि न्यू है, अभी इसको 4-5 महीने हुए, ज़्यादा नहीं हुए, ये करंट मार रही है। और आज इसने फर्स्ट टाइम ऐसा करा है। असलम समझ रहे थे मैं मजाक कर रही हूँ, मगर जब असलम ने भी हाथ मारा तो ये उठा उठा के बंदों को फेंक रही है, झटके मार रही है यानी, और बहुत तेज़ इसमें करंट आ रहा है। तो मैंने सरफ वरफ डाल लिया था, क्या ज़ाहिर बात है झाग वाला पानी हो गया था, ये पानी वेस्ट होता है इतना। और फिर मशीन वाले को इसलिए हमने नहीं दिखाया, तो यमुना को भी उठा के फेंका है मशीन ने भी, तो यमुना रो गई थी बुरी तरीके से और अल्लाह ताला ने बचा लिया। अच्छा, अल्लाह ताला ने आज बचा लिया हमें ये सब होने से, वरना बड़ा हादसा कुछ हो जाता। तो आज हम बच गए तीनों। ना बस ऐसे ही दिखता है। तो अभी असलम गए बाहर खाना लेने, तो देखो कब आते हैं। और किसी का ना सामान जा रहा है शायद या आया है, तो अभी मैं कर रही हूँ असलम का इंतजार। तो ना मेरी चाय बनके तैयार हो गई, धुआं निकल रहा है, तो नाश्ता वाश्ता निकालूँ और आ ही गया आखिर में। अच्छा, कह रहे मशीन वाला कह रहा है अब भी ले आओ, तो मैंने बोला आप कल सही कर देना। क्या हुआ, क्या हुआ नटगुल्ले को, रसगुल्ले को? लो पापा ने भी खा लिया भाई। और क्या लाए खाना? क्या दूर है ना, करंट मार रही है ना तेज तेज। चाय इतनी मेरी वेस्ट गई है ना आज गाइस, ये नाश्ता करके गई नहीं, वैसे चाय नहीं बनाओ तो दम हो जाता है, और चाय बनाई तो ये लोग नाश्ता करके गई नहीं, ऐसे चले गए। क्यों गए तुम लोग ऐसे, नाश्ता क्यों नहीं करके गए? तो अभी असलम अपने लिए लाए दाल रोटी और मैंने चाय निकाल ली, पेम्पर भी मेरे आगे रख दिए लाकर। खाना निकाल लो मैडम, नाश्ता कर लो, बहुत सारे काम है मेरे को, फारिक नहीं बैठी हूँ तुम्हारी तरह, निकालो। तो ये बिरयानी मैंने निकाल दी इन लोगों की, ये अपना नाश्ता खोल रही है, अभी तक इनसे नाश्ता नहीं खुला लगाया। क्यों? चले अब हम लोग कर लें नाश्ता वाश्ता, आप लोगों को ना आप लोग भी आ जाए, फिर मिलते हैं आपसे, आप मेरे साथ जब तक वहीं बने। तो गाइस मैं काम वाम कर चुकी, बच्चों को नहला दिया, साफ़ सुथरा कर दिया, पानी ट्रश वनीटर इनके बांध दिए, वो वहाँ लेट के कार्टून देख रही, घर सारा समेट लिया,
कपड़े धो के मैंने डाल दिए हैं, वो कमरा भी साफ़ है। बस वहाँ जो कपड़े रखे हुए हैं वो तय करना बाकी है। और अभी अभी जाके मैं फारिक हुई हूँ, सुबह से लगी हुई थी। और ये पानी गर्म हो रहा है क्योंकि हमारी तो बिल्कुल नहीं गैस नहीं आ रही, आवाज़ ही नहीं आ रही तो गैस क्या आएगी। तो बस इसलिए पानी गर्म हो जाए तो बस, फिर मैं थोड़ा सा और काम रह गया है वो भी कर लूँ, फिर डॉक्टर के भी जाना है, इनके बाबा आ जाएंगे। तो ये ना जो कार्टून देख रही हैं, कार्टून देख रही हो, ये किसी को भी नहीं दिखाती है अपने साथ, और इसने ऐसी परेशान करा हुआ हमें। हो गया, अभी मैं लाई हूँ सब जाके, रोल मैक्रोनी और ये चिप्स इनकी है, रोल इनके हैं, मैक्रोनी मेरी है। तो अब इस पे भी ये लोग लड़ रहे हैं और गर्म हो रही है इतनी चिप्स भी। और हम लोगों ने ना दोपहर का खाना जल्दी खा लिया था, नाश्ता जल्दी कर लिया था, तो भूख लग रही थी बच्चों को, मैंने कहा चलो ये खा भी लेंगे। लाओ मैं डालूं, लाओ चले। अब बच्चों को ये मैं खिला दूं पहले, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो बस आज तक की मेरी यहीं तक की थी रूटीन, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।